आखिर भरे सांसद में गूंजे जय भीम के नारे। असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद लगाया नारा, लोकसभा में होने लगा हंगामा। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली लोकसभा में नव निर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण विधि जारी है। इस बीच हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जी के शपथ ग्रहण को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल लोकसभा के सदस्य रूप के लिए शपथ लेने के लिए प्रोटम स्पीकर ने असदुद्दीन ओवैसी को बुलाया और जब असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने आगे जा रहे थे तब कुछ भाजपा के नेता जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी जोर से जय भीम का नारा लगाया, जिसे सुन सभी भाजपा के नेता चुप हो गए। आगे जब असदुद्दीन ओवैसी जी ने शपथ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, इसके बाद उन्हें उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने के बाद जाते जाते उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इसके अलावा उन्होंने अल्लाह हू अकबर का नारा भी लगाया, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। दोस्तों, आपको बता दें कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से पांचवी बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे हैं। उन्होंने बीजेपी की माधवी लता को 3.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इससे पहले 2019 के चुनाव में ओवैसी ने कुल 58.95% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। वो हैदराबाद से लगातार पांचवीं बार सांसद बने हैं। ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से पहली बार 2004 में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन इस बार जब असदुद्दीन ओवैसी जी ने सांसद पद की शपथ लेने के दौरान जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और बाद में जय फिलिस्तीन कहा। ओवैसी के जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद सदन में बीजेपी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। ओवैसी जी के जय फिलिस्तीन नारे का बीजेपी ने विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, आज AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जय फिलिस्तीन का जो नारा दिया है वह बिल्कुल गलत है। यह सदन के नियम के खिलाफ है। ये भारत में रहकर भारत माता को जय नहीं बोलते। लोगों को समझना चाहिए कि ये देश में रहकर असंवैधानिक कार्य करते हैं। वे हैदराबाद से पांचवी बार बने हैं सांसद। दोस्तों, जब एक पत्रकार ने उनसे बाद में इस विषय पर सवाल पूछा तब ओवैसी जी ने क्या कहा, आप सुन सकते हैं। जो को लेकर विरोध हो रहा है सर, अभी देखिए जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है। सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अरे सब ने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। वो करते हैं, उनको काम उनका खाली विरोध करना है। छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो सब कहे थे उसको लेकर वो लोग आपत्ति जताते हैं। हाँ, अब हम अब उनकी खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे। आपने सुना नहीं अभी क्या क्या बोले जा रहा है। उद्देश्य क्या है, मजलूम आवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सांसद में भाजपा के नेता ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया, उस विषय में जल्दी ही चैनल पर मिलेगी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।